हेलो फ्रेंड्स, अपने इस ट्यूटोरियल में अब हम लीनियर सर्च को इम्प्लीमेंट करना सीखेंगे। उससे पहले हम लीनियर सर्च का कंसेप्ट एक बार देख लेते हैं और उसके बाद फिर हम लीनियर सर्च को प्रोग्राम के थ्रू इम्प्लीमेंट करेंगे। लेट अस नाउ कंसीडर द फॉलोइंग एग्जांपल टू क्लियरली अंडरस्टैंड द लीनियर सर्च एल्गोरिदम। लाइक मैं यहाँ पर एक एरे ले रही हूँ ए, जिसमें टोटल मेरे पास 8 एलिमेंट्स हैं और मैंने उन्हें एलिमेंट्स को यहाँ असाइन कर दिया है 12, 14, 16, 18, 20, 30, 40, 50। Now we have declared an array A of size 8 and the values has been assigned. Now let us assume to find the value 30. Let us suppose मैं इस array में 30 value को search करना चाहती हूँ कि 30 value इस array में है या नहीं by using linear search. तो step number 1 मेरा क्या होगा? Linear search start होगी, हमने element दे दिया, हमें 30 को फाइंड आउट करना है इस एरे में, तो लीनियर सर्च स्टार्ट होगा 30 का इस एरे के ए जीरो एलिमेंट से, यानी कि जो हमारा एरे है वो इंडेक्स वैल्यू जीरो से स्टार्ट होता है, तो ए जीरो की वैल्यू से 30 की वैल्यू को क्या किया जाएगा? मैच। क्या 30 12 के इक्वल है? नो। तो यहाँ पर सेकेंड स्टेप क्या आएगा? द एलिमेंट इज नॉट फाउंड एट द फर्स्ट पोजिशन और द जीरोथ पोजिशन। फिर हम जीरो में 1 एड करेंगे, यानी कि इंक्रीमेंट द इंडेक्स वैल्यू बाय 1। तो अब मेरा आ जाएगा काउंटर A1 पे। अब A1 की वैल्यू को इस वैल्यू के साथ जो हमने फाइंड आउट करनी है मैच किया जाएगा। क्या 30 A1 यानी कि 14 के बराबर है? द एलिमेंट इज नॉट फाउंड एट द सेकेंड पोजिशन। फिर इंडेक्स की वैल्यू में 1 ऐड कर दिया जाएगा। अब बारी आएगी A2 की। क्या A2 की वैल्यू है 16, क्या वो 30 के इक्वल है? नो। तो एलिमेंट इस पोजिशन पे भी फाइंड नहीं हुआ। फिर से हम इंडेक्स की वैल्यू को 1 से इंक्रीमेंट कर देंगे। A3 यानी कि 18, क्या 30 के इक्वल है? नो। द एलिमेंट इज नॉट फाउंड एट फोर्थ पोजीशन एंड इंक्रीमेंट द इंडेक्स वैल्यू बाय 1। फिर ये A4 पे आएगा। A4 की वैल्यू है हमारे पास 20, क्या 20 जो है वो 30 के बराबर है? नो। तो एलिमेंट इज नॉट फाउंड एट फोर्थ पोजीशन एंड इंक्रीमेंट द इंडेक्स बाय 1। द एलिमेंट अब फिर A5 हो जाएगा। A5 हमारे पास 30 है और हम वैल्यू जो हमने दी है वो भी 30 है। 30 इज इक्वल टू 30, यस। द एलिमेंट 30 इज फाउंड एट द फिफ्थ पोजीशन एंड नाउ द लीनियर सर्च विल स्टॉप द सर्च एंड रिटर्न द वैल्यू एज द आउटपुट। अब जो हमारी आउटपुट है वो क्या आएगी? 5, यानी कि A5 पे जो हमारा एलिमेंट है वो हमें फाउंड हो गया है। दैट इज लीनियर सर्च, कि हमने एक एक करके एरे के एलिमेंट्स को जो हम एरे फाइंड आउट करना चाहते हैं उस एलिमेंट के साथ कंपेयर करेंगे और जब हमारे पास पोजीशन मिल जाएगी तो उस पोजीशन को हम रिटर्न करवा लेंगे। अब हम इसे प्रोग्राम के साथ इंप्लीमेंट करेंगे। इसमें मैंने हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम और कॉर्नियर डॉट एच को इंक्लूड किया है, नेमस्पेस को ऐड किया, मेन की स्टार्टिंग की है, एक एरे लिया है जिसका नाम है एरे जो कि इंटीजर टाइप का है और वो टोटल उसका साइज दे दिया है 100। अब मुझे एरे में n वैल्यूज यानी कि n नंबर्स एंटर कराने हैं, यानी कि एरे का साइज अब मैं यहाँ पे दे रही हूँ n, तो मैं n नंबर एंटर करवा लूंगी। फाउंड इज इक्वल टू 0, फाउंड एक फ्लैग है, यानी कि अगर हमें एरे में जो एलिमेंट हम फाइंड आउट करना चाहते हैं वो मिल जाता है तो हम फाउंड की वैल्यू क्या बना देंगे? 1। बट अगर जो एलिमेंट हम एरे में फाइंड आउट कर रहे हैं वो हमें एरे में नहीं मिलता तो हमारा जो सर्च एल्गोरिदम है वो अनसक्सेसफुल हो जाएगा और फाउंड की वैल्यू जो है वो 0 ही रह जाएगी। तो सिर्फ ये देखने के लिए कि हमारा सर्च एल्गोरिदम सक्सेसफुल हुआ है या नहीं, यानी कि एलिमेंट एरे में फाउंड हुआ है या नहीं, तो हम यहाँ पर फाउंड की वैल्यू को एक बार 0 कर रहे हैं। कॉमा, एक मैंने इंटीजर लिया है आई और फाइंड। फाइंड वो एलिमेंट है जिसे हम एंटर, यानी कि यूजर जो है वो एंटर करेगा और एरे में हम उसे सर्च करेंगे। सी आउट हाउ मेनी नंबर्स, यानी कि हम n की वैल्यू एंटर करेंगे कि हम कितने नंबर्स एंटर करना चाहते हैं। सीन n, एंटर एरे एलिमेंट्स, हमने जितने भी नंबर्स एंटर करने हैं यानी कि n तक हम नंबर्स को एंटर करेंगे। नंबर्स को एंटर करने के लिए हम फोर लूप लगाएंगे, फोर i इज इक्वल टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस। सीन एरे के ith एलिमेंट्स यानी कि a0 a1 हम एंटर करवा लेंगे। सी आउट एंटर ए नंबर टू फाइंड आउट, एक मैसेज प्रिंट होगा, यानी कि जिस नंबर को आप एरे में फाइंड आउट करना चाहते हैं वो नंबर हम यूजर से एंटर करवा लेंगे। सीन फाइंड
अब हम एरे में जीरो से यानी कि ए जीरो से शुरू होने के लिए एरे के एंड तक जाने के लिए एक फोर लूप लगाएंगे। फॉर आई इज इक्वल टू जीरो आई लेस देन एन आई प्लस प्लस, फोर लूप के लिए कर्ली ब्रेसेस लगाए। इफ हमने इफ लूप लगाया कि अगर एरे का आयथ एलिमेंट हमारे फाइंड वाले जिस एलिमेंट को हम फाइंड करना चाहते हैं उसकी इक्वल है, इफ एरे आई इज इक्वल टू फाइंड देन जो फाउंड की वैल्यू होगी जो यहाँ हमने जीरो दी है वो वन हो जाएगी और पोजीशन जो है वो रिटर्न हो जाएगी। फाउंड एट पोजीशन हमने यहाँ पे लिखा है सी आउट एंड एल फाइंड, फाइंड वो नंबर है, ये मैसेज प्रिंट होगा फाउंड एट पोजीशन। पोजीशन में हमने आई की वैल्यू में वन इंक्रीमेंट इसलिए किया है क्योंकि जो एरे इंडेक्स है वो जीरो से स्टार्ट होता है। एग्जैक्ट पोजीशन फाइंड आउट जो होगी वो आई प्लस वन होगी यानी कि उस पोजीशन में वन एड हो जाएगा और एग्जैक्ट पोजीशन हमें उसकी रिटर्न हो जाएगी। फिर हमने इस इफ स्टेटमेंट को क्लोज कर दिया, फोर लूप को क्लोज किया। अगर हमारा यहां पर ये स्टेटमेंट पूरे इटरेशन के दौरान कहीं पर भी इफ स्टेटमेंट हमारा ट्रू नहीं होता यानी कि वो एलिमेंट जो यूजर फाइंड आउट करना चाहता है वो एरे में कहीं पर भी फाइंड नहीं होता तो फाइंड की वैल्यू फाउंड की वैल्यू क्या रह जाएगी, जीरो। इफ फाउंड इज इक्वल टू जीरो तो आप क्या मैसेज प्रिंट कराना चाहते हैं, सी आउट सॉरी फाइंड वो एलिमेंट है, सॉरी एलिमेंट डजंट फाउंड यानी कि ये एलिमेंट एरे में कहीं पर भी फाइंड आउट नहीं हुआ है, गेट सी एच एंड रिटर्न जीरो। अब हम इस प्रोग्राम को कंट्रोल एस से सेव करते हैं और F9 से इसे कंपाइल कर लेंगे। कंपाइल करने के बाद हम इसे रन करते हैं F10 से। हाउ मेनी नंबर्स, लाइक हम 5 नंबर्स एंटर करना चाहते हैं, एंटर की प्रेस करेंगे, एंटर एरे एलिमेंट्स, लाइक मैं यहाँ पे एरे एलिमेंट्स एंटर कर देती हूँ 1, 2, 3, 4, 5। एरे एलिमेंट्स हम हमने 5 एलिमेंट्स एंटर किए, एंटर की प्रेस की, एंटर ए नंबर टू फाइंड आउट, अब जो नंबर हम फाइंड आउट करना चाहते हैं लाइक हम 4 नंबर एंटर करना, एंटर की प्रेस की, 4 फाउंड एट पोजीशन नंबर 4। आप देख रहे हैं A0, A1, A2, A3, बट हमने I की वैल्यू में एक का इंक्रीमेंट करवाया था 3 + 1 = 4, तो जो 4 नंबर है वो हमें 4th पोजीशन पे मिला है। एक बार हम इसे फिर से एग्जीक्यूट करवाते हैं, अब हम यहां पर 5, 1, यहां पे हम दे देते हैं 6, एंटर की प्रेस करते हैं, सॉरी एलिमेंट था हमारे पास 6 जो हम फाइंड आउट करना चाहते हैं डजंट फाउंड यानी कि 6 नंबर जो है वो यहां पर एरे में कहीं पर भी फाइंड आउट नहीं हुआ। तो ये था हमारा लीनियर सर्च, जब हम एक एलिमेंट एक एरे में फाइंड आउट करना चाहते हैं और वो एक एक करके एलिमेंट्स एरे के एलिमेंट से मैच होता है और अगर जो पोजीशन मिल जाती है तो पोजीशन रिटर्न होती है, अगर पोजीशन यानी कि वो एलिमेंट हमें एरे में फाइंड आउट नहीं होता तो हमारे पास एक मैसेज आ जाता है कि दैट एलिमेंट इज नॉट फाउंड इन द एरे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, टिल देन बाय, थैंक यू।